नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बिजनौर की बढ़ापुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी कपिल गुर्जर अपने जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं का अभियान तेज किए हुए हैं। क्षेत्र में उन्हें भरपूर जन समर्थन मिलता दिख रहा है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक जो भी चुनाव लड़े और जीते उन्होंने क्षेत्र का कोई विकास नहीं कराया है। उनके जीतने के बाद उनका सबसे पहला प्रयास अफजलगढ़ को तहसील बनवाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदीप अग्रवाल ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से वोट डालने की अपील की। इस दौरान प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी की सरकार सभी वर्ग के लिए फायदेमंद साबित हुई है, जिसकी वजह से इस बार चुनाव में फिर बीजेपी की सरकार आएगी। आगे भाजपा नेता ने हमारे संवाददाता से और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। इस बार विधानसभा चुनावों में किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव की तारीख अब बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव अब बहुत निकट है। मतदान का दिन हमारे पास है। जो भी विषय हैं वो विकास को लेके हैं, अच्छी शिक्षा को लेके हैं, अच्छी चिकित्सा को लेके हैं। हमने देखा है पिछले 2 वर्षों में कोरोना जैसी भयंकर महामारी जो पूरे विश्व को प्रताड़ित करती हुई आई, हमारी देश के नेतृत्व ने और प्रदेश के नेतृत्व ने जिस प्रकार उसे संयोजित ढंग से यहाँ पर उस बीमारी को भगाया, उस बीमारी पर कंट्रोल करा और घर घर तक जो वैक्सीन पहुँचाई, जो कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में होना बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी मात्रा में उस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होना, घर घर तक पहुँचना और जो नहीं लगवा पा रहे थे उन तक भी लगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की रही है, जिससे हमारा भारत आज उस बीमारी को मात देने में सक्षम हो चुका है। और देखिए, जब तक GST नहीं थी तो व्यापारियों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अगर हमें प्रदेश से बाहर माल मंगाना होता था तो हमें फार्म 38 और 38 पर जहां माल आता था उसके बाद हमें तिमाही फार्म सी भर के भेजना पड़ता था और उन सब फार्मों को लेने के लिए हमें दफ्तरों के कई कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। आज GST आने के बाद सबसे बड़ी सुविधा क्या हुई है कि कोई भी दुकानदार, चाहे वो छोटा व्यापारी है या बड़ा व्यापारी है, वो अपने माल को पूरे भारत में कहीं से भी आयातित कर सकता है, कहीं भी बेच सकता है। केवल उसे अपना GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और GST रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो बिल बनाता है तो वो अपने हाथ पर ही ई वे बिल निकाल लेता है और ई वे बिल एक तरीके से उसका प्रमाण पत्र है। उस ई वे बिल निकलने के बाद वो अपना माल पूरे भारत में कहीं भी इजीली बेच सकता है, तो व्यापारी को इससे बहुत बड़ी सुविधा हुई। बस्ती में हरैया विधायक अजय सिंह से प्राइम टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की और जाना कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बस्ती में हरैया विधायक अजय सिंह ने प्राइम टीवी के संवाददाता से खास बातचीत की है, सभी दिक्कतों के बारे में बताया और ये भी बताया कि किन समस्याओं से इस वक्त विधानसभा जूझ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। हरैया से बीजेपी से जो है विधायक हैं अजय सिंह जी, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से, जिस तरीके से जो है 2017 में इन्होंने इस अभेद कवच को भेद कर यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जीत कर और MLA बने और काफ़ी विकास कार्यों को किया, सब कुछ किया। तो अब हम बात करके किस तरीके से 2022 में आप किन किन मुद्दों को लेकर गांव के बीच में जा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है गांव की जनता। गांव, गरीब, मजदूर, किसान जो भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सरकार की जो सुशासन की नीतियाँ हैं वो उससे जनता पूरी तरह प्रभावित है। देखिए, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, सबको नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है, किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रहा है, जो आवास विहीन थे उनको आवास भी मिला है। 80 लाख आवास अभी इस वित्तीय बजट में केंद्र सरकार ने लाया हुआ है। अगर जो बचे होंगे उनको पुनः आवास मिल जाएगा। घर घर शौचालय मिला, घर घर गैस कनेक्शन मिला हुआ है, घर घर 20-22 घंटा लाइट आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुशासन दिया है और मैंने बहुत विकास कार्य, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा में इतना विकास कार्य कहीं नहीं होगा।
विधायक जी देखा जा रहा है जिस तरीके से इस समय जो है होली के रंगों की तरह सब चुनावी रंग में शराबोर सारा माहौल हो गया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग भी निशाना साध रहे हैं कि हमने जो है जो विकास कार्य हमने आज तक किया है उसी को ही बीजेपी ने हालिया में दोहराया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप देख लें उठा करके सिकंदरपुर मुस्कुरा रोड कब बनी, ये आम जनता जानती है। पसामपुर से कुशमरुटी की चौड़ीकरण की रोड कब बनी आम जनता जानती है। मखौड़ा धाम पे कब किसने क्या किया ये आम जनता जानती है। 84 कोसी प्रक्रिया राम रेखा जाकर देख लीजिए इसके पहले क्या था, आज क्या हनुमान बाग चकोही में पहले क्या था, आज का क्या है, जाकर के श्रृंगी डारी में देख लीजिए पहले क्या था आज क्या है, अमोलीपुर जाके देखिए पहले क्या था, आज के हैरानी गाँव जाके देख के आइए पहले क्या है, आज क्या था, थाना का शिव मंदिर जाइए देख के आइए पहले क्या था, आज क्या था, अटल आवासीय विद्यालय किसके समय में बंधा 100 करोड़ की लागत से, पॉलिटेक्निक किसके समय में बंधा 100 करोड़ की लागत से, जाकर के चौड़ीकरण की रोडों को ले दीजिए, हमारी बहुघाट विशेषज्ञ टूटी फीटी विक्रम जोत पटखापुर परशुरामपुर NH 28 खिसवा से चौड़ीकरण की रोड आप जाके देख आइए बंधा तक किसके समय में बन रहा, छावनी से 10 नंबर ठोकर की चौड़ीकरण की रोड किसके समय में बन रही है, महाराजगंज से लेकर के दुबौलिया अशोकपुर महाजा की रोड किसके समय में बन रही, महूघाट कसियापुर बसंतपुर की रोड किसके समय में बन रही है, वहीं बढ़हल से लेकर के विशेषरगंज की रोड किसके समय में बन रही है, इस चौड़ीकरण की रोड आपको गिना रहा हूँ मैं, 100 करोड़ का किसके समय में बन रहा, 50 करोड़ का पीपे का पुल में जो पूरे उत्तर प्रदेश में यही छतौना से लेकर तो ये किसके समय में विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बना पूर्वांचल में हमारे विधानसभा तैयार हो गया, हमारे विधानसभा में चार खाद बीज गोदाम है जो हमारे विधानसभा में बनकर तैयार हो गए, 100 बच्चा महिला बनकर तैयार हो गए। हम ये कह रहे हैं कि अब का बना तब का बना आम जनता जानती है, दूध का दूध पानी का पानी 3 मार्च को हो जाएगा। विधायक जी क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आज जो है सपा की घोषणा किया प्रत्याशी के रूप में हरैया से नंदन पाठक जी को और बसपा से राजकिशोर जी हैं और आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट है और दलित वोट वर्ग एक निर्णायक भूमिका निभा, ब्राह्मण हमेशा धार्मिक होता है, ब्राह्मण हमेशा न्याय करता है और ब्राह्मण से ना कोई न्यायप्रिय होता ना धार्मिक होता है, हमारे विधानसभा का ब्राह्मण क्या उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के पास है, भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, काशी सज गया है, मथुरा सजना बाकी है, धारा 370 हट गई है, आप क्या चाहते हैं, सारे गांव-गांव गौशाला खुला हुआ है, सारे बूचे खाने बंद हो गए हैं, क्या चाहिए जनता, कारोबार में बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं को जो माफिया थे या तो प्रदेश छोड़ गए या तो जेल में है या ऊपर भेज दिए गए, गांव-गांव आप देख रहे होंगे सुशासन है, आज सिवान में भी चोरी, पहले क्या होता था, पहले नगरजनी डकैती होती थी, आज क्या हो रहा है, आज सिवान में भी इंजन पड़ा हुआ है, जाके देखिए चोरी चमारी चोरी बंद हो गई है, चोरी गुंडागर्दी पे पूरा लगाम लग गया है और जनता इससे प्रसन्न है, जनता खुश है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं सिवान की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो किसानों का मुद्दा है कहीं ना कहीं आपकी सरकार में गोवंश बढ़ाए गए और उसमें गोवंश रखे जा रहे हैं लेकिन देखिए गांव-गांव गौशाला खुली हुई है, गौशाला खुली हुई है, मैं सभी अपने किसानों से निवेदन करता हूं कि ये दिल्ली से और लखनऊ से कोई हमारे गौवंश नहीं आए हैं, हम ही लोग दूध पी करके गौवंश को छोड़ देते हैं, जो हम गौवंश को छोड़ते हैं कृपया अपने घर पे रहें, सरकार उसके लिए 900 रुपये महीने एक गौवंश का भत्ता दे रही है और 900 रुपये महीने भत्ता दे रही है, तो हमको अपने गौवंश को यहाँ रखना चाहिए, ये योगी जी ने मोदी जी ने नहीं छोड़ा है, ये हमारे गांव के लोगों ने छोड़ा है, 900 रुपये भत्ता मिल रहा है। ये थे हमारे साथ रैया के विधायक अजय सिंह जिन्होंने विपक्षियों को ही ललकारा है और कहा है जब भी चाहे सामने आके हरैया के विकास के मुद्दों को लेकर हमसे सीधे डिबेट कर लें, लेकिन बहरहाल फिलहाल जो भी होगा आने वाला वक्त बताएगा। हरैया से कैमरा पर्सन अतुल के साथ रजनीश पांडे। खबर बुलंदशहर से है जहां पर कद्दावर नेता ठाकुर सुनील सिंह ने रालोद छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, हजारों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए एमएलसी और कई बार एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ठाकुर सुनील सिंह जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के बड़े भाई हैं।
देवरिया में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के नामांकन के चौथे दिन जनपद के विभिन्न विधानसभाओं से कुल 12 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं पथरदेवा विधानसभा से अंबर जहां ने 3 सेट में पर्चा भरा है। विवेकानंद सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा। वहीं सलीमपुर विधानसभा से सतीश कुमार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कितने सीटों में नामांकन करेंगे आप? 3 सीटों। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? मुद्दे को लेकर चुनाव को अच्छे हैं और हम लोग आए हैं नामांकन के लिए। विकास का मुद्दा होगा और विकास का मुद्दा होगा, महिलाओं के लिए हम लोग का मुद्दा होगा। आप महिलाएं महिलाओं के लिए क्या करेंगे? महिलाओं के लिए, अगर हम महिलाओं के लिए बेरोजगार जो हैं उनके लिए हम रोजगारी देंगे। महिलाओं के साथ हमको कदम से कदम मिलाकर चलना है, उनको समस्याओं को हल करना है। ये काटे की टक्कर चल रही है सब। देखिए, ये तो बीजेपी की रणनीति है और बीजेपी और बसपा मुझे लगता है एक है। परवेज आलम जी को टिकट दिलाने में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हाथ बीजेपी का है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हम एक तरफा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अंबर जहां जी जीत रही हैं, जिसके लिए उन्होंने परवेज आलम जी को अप्रोच करके टिकट दिलवा दी है। जबकि सुनील राव जी मुझे लगता है टिकट के प्रबल दावेदार थे, उन्हें टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन ये सारा खेल जो बीजेपी ने खेला, प्रोपगंडा जो बनाया है, मुझे लगता है ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। मेजॉरिटी वोट सारा एक तरफा अंबर जहां जी को मिल रहा है। पथरदेवा विधानसभा से भारी मतों से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन में राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने करहल क्षेत्र में जनसभा की। जनसभा करते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने के बाद छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप और कन्या विद्याधन, स्वास्थ्य व्यवस्था, व्हीकल व्यवस्था के अलावा अन्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार झूठी और निकम्मी सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलने का काम करती है। अरे, सारी जनता में इतना उत्साह है कि सोच रही है, हमें लगता है यहाँ एक वोट नहीं मरने पड़ा बीजेपी कहीं भी। जहाँ आज में छठवीं मीटिंग है हमारी, बीजेपी का समर्थक कोई हमें दिख नहीं रहा, और यही लगता है उत्तर प्रदेश में स्थिति। जी, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बीजेपी घोषणा पत्र क्या है, वो जब सरकार में है तो घोषणा पत्र जारी किया उन्हें करना चाहिए था, किया कुछ नहीं। अब घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं, उसका पूर्ण विश्वास है। होली और दीपावली पे दो दो सिलेंडर महिलाओं को फ्री देंगे। हमने तो हमारे घोषणा पत्र सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। बोलिए दीवा। बांदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से भूमि संरक्षण विभाग कर्मचारी की मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, डॉक्टरों ने कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। ये मामला गिरवा थाना अंतर्गत महुआ गांव के पास का है। अभी एक शेखर नाम का पेशेंट आया है, अतर्रा का रहने वाला है, और यहाँ आने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मर्सरी में रखा था। कहाँ का रहने वाला है साहब जी? अतर्रा के रहने। घटना ये है, सर्विस से आ रहे, सर्विस करके अपनी ड्यूटी करके। कौन से विभाग में सर्विस करते हैं? भूमि संरक्षण विभाग में हमीरपुर में पोस्टिंग है। कौन से? भूमि संरक्षण विभाग। भूमि संरक्षण विभाग में हमीरपुर में पोस्टिंग है। कौन से पद में? ये उस विभाग में ये जानकारी नहीं किस पद में है। हाँ, तो कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे हमीरपुर से घर के लिए। घर के लिए। घटना कब हुई? घटना हुई है महुआ से, महुआ पुल क्रॉस करके। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नारखी के भाजपा नेता की गुंडाई इतनी बढ़ गई है कि वो अब पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं और सरेआम पत्रकार को धमकी देते नजर आए। जबकि ये वही भाजपा नेता हैं जिन पर बलात्कारियों का साथ देने और पीड़ित पक्ष पर शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया गया है। तो वही इस बीच पीड़ित ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जी जान सेठ जो कहते हो पैसा ले लो और राजीनामा कर ले, धमकी दे तो जो कहता झूठो के तो बलात्कार झूठो लगा हुआ। जी जान ये कह रहा हूँ मुझे। तो पीड़ित की बात तो आपने सुन ली, अब विधायक की दबंगई देखिए और पत्रकार से किस तरह से बात कर रहे हैं ये भी सुनिए।
मैं ये कह रहा हूँ मुझे मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, घर मिलना हो डायरेक्ट आकर के मुझसे मिलना। तो मुझसे आप मिनिस्टर हो तो मैं आपसे मिलूंगा। आप यहाँ से कितने आगे पीछे घूमते हैं मेरे, मैं क्यों आऊंगा आपसे? आप आओ मेरे पास में। मतलब तुम्हारे पीछे मेरे यहाँ से आगे पीछे घूमते हैं? अरे तो क्यों, मैं क्यों जाऊंगा आपके पास में? थोड़ा कलेक्टर हो गया तू, तमीज से बोलो, तमीज से, ठीक है? तमीज से औकात देख ले, औकात की बात मत करो, तुम्हारी औकात मैं जानता हूँ कितनी है। औकात क्या है मैं बता दूंगा, हमें कितनी औकात ये है तुम्हारा, तुम्हारी औकात क्या है मैं जानता हूँ, दलाली करते हो, बता रहे तू है गाली मंद हो, गाली मंद हो, मैं बोल रहा हूँ गाली मंद हो, गाली मंद हो, तुम्हारी औकात तुम गोली मारवाओ मेरे लिए, प्रधानमंत्री है तुम्हारे लिए, तुम प्रधानमंत्री हो मेरे लिए, फोन मत करना, बता दिया मैंने, तुम मेरे पास फोन मत कर देना, ठीक है ना? मेरे पास बोला फोन मत करना, जगन सेठी की निकाल दूंगा ना, ठीक है? मऊ की मधुबन सीट से भाजपा ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के बेटे रामविलास चौहान को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही बगावत और इस्तीफों की बौछार लग गई है। वहीं इस कड़ी में जिला महामंत्री राधेश्याम सिंह समेत 500 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि अगर उम्मीदवार नहीं बदला गया तो वो बीजेपी से सदा के लिए नाता तोड़ देंगे। आलोक मल्लाम है मेरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ मधुबन में, मधुबन विधानसभा के मधुबन मंडल। भाजपा कार्यालय पे आने का कारण क्या है? भाजपा कार्यालय पे आने का कारण इतने दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को विचारों पर चलने वाली है, मैं हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो है उनके विचारों को किनारे करते हुए परिवारवाद की राजनीति कर रही है और परिवारवाद के लोगों को टिकट दे रही है और ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो विधानसभा में कार्यकर्ता को जानते हैं। खबर संभल से है जहां असमोली सीट से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव ने कई गांवों में नुक्कड़ सभाएं करते हुए जनता को संबोधित किया। इस दौरान पिंकी यादव ने बताया कि सपा सरकार के जीतने पर जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। आगे सपा प्रत्याशी ने कहा कि सपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे साफ है कि सपा को इस बार प्रचंड जीत मिलेगी। तो सपा प्रत्याशी ने प्रचार प्रसार किया, जमकर प्रसार प्रचार का दौर चल रहा है। संभल से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पे ढोल गाड़ों के साथ नाचते हुए लोग नजर आए, कार्यकर्ता नजर आए और जमकर प्रचार किया और ये भी दावा किया जा रहा है कि इस बार प्रचंड जीत मिलेगी सपा को। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।